फ्यूचर इंडेफिनिटेंस इन विच आई डिस्कस अबाउट निगेटिव फॉर्म। निगेटिव का मतलब ये होता है कि हम उसमें नॉट लगाते हैं। जैसा कि आप लोग सब पहले से जानते हैं, कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। चूँकि ये मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो वर्ब जो मेन वर्ब होती है उससे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं जो कि इसकी है विल और शैल। और ये निगेटिव है इसलिए हम लोग विल शैल के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे कि आई विल नॉट इंजॉय इन द पार्टी, मैं पार्टी में इंजॉय नहीं करूँगा। राहुल विल नॉट विन द मैच, राहुल मैच नहीं जीतेगा। We sell not buy a new car, हम नई कार नहीं खरीदेंगे। एक्चुअली जो पहले के टाइम में था हम लोग आई और वी के साथ सेल का यूज करते थे, बट आज के टाइम में जहाँ हम लोग को फॉर्मल दिखाने की जरूरत होती है या जहाँ हमें प्रोमिस करने की जरूरत हो, जैसे कि आजकल के न्यू ईयर अखबार कहते हैं तुम्हारे लिए मैं 4 सितारे तोड़ाऊंगा, तो जहाँ हमें प्रोमिस करने की जरूरत होती है या फिर फॉर्मल जैसे ऑफिस वगैरह में हो गया, या फिर वहाँ पे जहाँ पे हमें एक सजेशन या रिक्वेस्ट की ज़रूरत होती है वहाँ पे हम लोग सेल का यूज करना सबसे अच्छा माना जाता है। और सब्जेक्ट कोई भी हो, सब्जेक्ट मैटर नहीं करता है, बट हमें अगर फॉर्मल दिखाने की ज़रूरत है तो हमें सेल का यूज करना चाहिए। और जनरली मैं आजकल हर सारे सब्जेक्ट के साथ चाहे प्लूरल हो या सिंगुलर विल यूज किया जाता है। और जनरली आप आजकल मॉडर्न इंग्लिश में देखेंगे तो सबके साथ विल यूज किया जाता है। थैंक यू।